जल निगम और जल संस्थान संयुक्त मोर्चा के विभागीय कार्यों को एडीबी को देने के विरोध में कर्मियों ने धरना प्रदर्शन किया है। उत्तराखंड पेयजल निगम कर्मचारी महासंघ के कुमाऊं मंडल अध्यक्ष शीतल साह के नेतृत्व में कर्मचारियों ने तिकोनिया स्थित कार्यालय में प्रदर्शन कर प्रशासन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारियों ने कहा कि शहरी विभाग द्वारा निर्माण और संचालन विशेषज्ञ विभाग उत्तराखंड पेयजल निगम उत्तराखंड जल संस्थान को खत्म करने की साजिश की जा रही है। एकीकरण राजकीयकरण शासन स्तर से विलंब होने से उत्तराखंड पेयजल निगम सभी कार्मिक निराश हैं। वहीं शहरी विकास विभाग के अंतर्गत संचालित यूयूएसडीए द्वारा मूल अभियांत्रिकी विभागों के कार्य क्षेत्र में अतिक्रमण किए जाने से सभी कार्मिक अत्यधिक आक्रोश में है। वक्ताओं का कहना है कि संस्था के अंतर्गत कार्यरत अधिकांश अभियंता उनके द्वारा धारित पद के अनुरूप आवश्यक न्यूनतम तकनीकी अर्हताएं और सीवरेज पेयजल का अनुभव नहीं रखते हैं। निर्माण कार्यों में लापरवाही और तकनीकी अज्ञानता के कारण यहां शासकीय धन की बर्बादी हो रही है। वहीं अनियोजित और त्रुटिपूर्ण निर्माण कार्यों के कारण आम जनता को असुविधा होगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मेरे पत्रकार बंधुओं, आपका हार्दिक अभिनंदन जो आप हमारे सभा में पहुंचे हैं, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। हमारी मांगे आज से 85 से हम कह रहे थे कि जल निगम जल संस्थान का एकीकरण किया जाए, उसे राजकीय डिपार्टमेंट घोषित किया जाए। वो आवश्यक सेवाओं से चलता है, मगर हमारे जो अधिकारी लोग प्रशासन में जो अधिकारी लोग हैं उनके बदमेलूक रवैये से हम लोगों का हनन किया जा रहा है। एबीपीडी एक संस्था है जो निजी संस्था है। इस पूरे जल निगम जल संस्थान संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक को जो सरकार और शासन हमारे जल निगम और जल संस्थान द्वारा संचालित जो कार्यों को एडीबी को देना चाह रही है और हमें निजीकरण के राह पर जो धकेलने का एक दुष्प्रयास जो सरकार और शासन द्वारा चल रहा है, हम इसका आज यहाँ पर विरोध करने के लिए उपस्थित हैं। और जल निगम और जल संस्थान संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में हम लोगों की मुख्य मांगे बेसिकली ये है कि जल संस्थान और जल निगम पूर्व से ही जो कार्य करते आ रहा है और उन कार्यों में बिल्कुल उनकी बेहतरीन ढंग से उन कार्यों को हमेशा से करवाता आ रहा है, उन कार्यों को उठा के एडीबी को सौंपा जा रहा है। तो जल निगम जैसे कि एक सेंटेंस बेस्ड डिपार्टमेंट है तो वो सेंटेंस किस चीज से अर्न करेगा, उसी तरीके से हमारा जल संस्थान है वो रेवेन्यू बेस्ड डिपार्टमेंट है। तो हम चाहते हैं कि जो कार्य जिन कार्यों में हम लोग निपुण है उन कार्यों को हम ही से करवाया जाए, ना कि किसी बाहरी संस्था को वो कार्य दे दिया जाए। दोहरी नीतियां राज्य के अंदर ना बनाई। तो हल्द्वानी से ये खबर आपको बता दें, जहां जल निगम और जल संस्थान के संयुक्त मोर्चा ने धरना प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों ने विभिन्न मांगें की है और सरकार और प्रशासन पर कई आरोप लगाए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। दीपक, जल निगम और जल संस्थान के संयुक्त मोर्चा ने धरना प्रदर्शन किया है, क्या कुछ उनकी मांगें हैं और क्या कुछ उनकी समस्याएं हैं, बताइए। जल निगम और जल संस्थान संयुक्त मोर्चे के विभागीय कार्यालय को एडीबी को देने के विरोध में जहां कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, मैं बताना चाहूंगा इस प्रकार से जल निगम और जल संस्थान के लोगों के द्वारा अपने ही कार्यालय के बाहर से अभी 2 घंटे का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जिस प्रकार से एडीबी को जो विभागीय है उनको सौंपा जा रहा, जिसको लेकर कहीं ना कहीं आने वाला तो जो वक्त रहेगा वो कहीं ना कहीं जो कर्मचारियों के लिए घातक होगा। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए दीपक जी आपका बहुत शुक्रिया। तो ये खबर हम आपको उत्तराखंड के हल्द्वानी से बता रहे हैं, जहां पर जल निगम और जल संस्थान के संयुक्त मोर्चा ने शासन और प्रशासन के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया है। कई मांगों को लेकर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।